सीबीआई का भी वड्डा एक्शन वेखन नूं मिलिया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश किया गया है, कई बच्चों नूं रेस्क्यू किया गया है। बच्चों नूं चोरी करके उन्हां नूं अगे वेच देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश होया है। जी हाँ, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक वड्डी कार्रवाई करदियां दिल्ली एनसीआर दे विच बच्चे चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग दे एक वड्डे रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। जांच एजेंसी ने कई बच्चों नूं भी बचाया है, रेस्क्यू किया है। इस मामले च कुछ मुलजमान नूं हिरासत च भी लिया गया है, जिन्हां दे दिल्ली अते उसके आले दुआले दे खेत्रां दे नाल अते होर सूबियां दे नाल संपर्क लिंक दसे जा रहे ने। दसिया जा रहा है कि इस रैकेट नूं बेपरदा करन दे लई सीबीआई ने कई होर सूबियां च भी छापेमारी की है। फिलहाल इस मामले च कार्रवाई लगातार जारी है। दरअसल सीबीआई नूं नवजम्मे अते छोटे बच्चों के चोरी होण अते उन्हां दी तस्करी नूं लैके कई जानकारियां कई इनपुट मिले सी। इसे दे चलदिआं सीबीआई ने कार्रवाई की है। दिल्ली हरियाणा सने 7 थावां ते रेड की गई है। इस दौरान दिल्ली के केशवपुरम स्थित एक घर चों 3 बच्चे बरामद किए गए ने। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुलजमान का गिरोह बच्चों के असली माता पिता के नाल या फिर सैरोगेट माँ तो इन बच्चों खरीद लेंदे सी। फिर सोशल मीडिया के जरिए अजिहे जोड़िया की भाल की जाती सी जिन्हों संतान नहीं हो रही सी, फिर उन्होंने ये बच्चे बेच दिते जाते सन। दसिया जा रहा है एक बच्चे की कीमत 4 से 6 लाख रुपए लगाई जाती सी। दसिया यह भी जा रहा है कि यह गैंग अडोपशन के जाली दस्तावेज तैयार कर कई परिवारों के नाल लखां की ठगी भी मार चुका है। सूत्रों मुताबक किसी बेजान वस्तु दिवांग यह गैंग मासूम बच्चों का सौदा करता सी। दसिया जा रहा है कि इकल्या मार्च च 10 बच्चे बेचे गए ने। मैं 6:15 बजे करीब पार्क से आया था तो यहाँ गाड़ी खड़ी थी, चारों तरफ से गाड़ी को घेर रखा था, सिविल ड्रेस में थे सीबीआई वाले और दिल्ली पुलिस की भी टीम थी। उसके बाद आई है दिल्ली पुलिस की टीम 1 घंटे बाद करीब। बाद में कोई पता ही नहीं चल जाता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गाड़ी को कोई सोई नहीं हो रहा था क्या है क्या नहीं है। जब बच्चा रिकवर हुआ है छोटा सा, जब पता चला है कि ये बच्चा चोरी वाले।